हेलो फ्रेंड्स, एआरके इंडिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जिसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नेट बैंकिंग साइट है centralbank.net.in, उस पर आप लॉगिन करेंगे। इस पेज पर जाने के बाद आपको ये स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है लॉगिन पेज, इस पर ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन ओपन होगा, इसमें लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्क्रीन ओपन हो गया है ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको CIF नंबर 10 डिजिट का डालना होगा। CIF नंबर आपके पासबुक के राइट साइड कॉर्नर पर मिल जाएगा, बॉटम साइड पर। और यहाँ पे मैं CIF नंबर एंटर कर रहा हूँ। CIF नंबर एंटर करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस रहेंगे, इसमें से मैं लास्ट KYC प्लस अकाउंट नंबर डिटेल्स में एंटर करूँगा। यहाँ पे आप ID प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आधार का ID प्रूफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ID प्रूफ सेलेक्ट करने के बाद आपको ID नंबर आपका डालना होगा। मैं ID नंबर डाल रहा हूँ। आप 61 जो आधार कार्ड का नंबर है वहाँ पे एंटर कीजिए। आधार नंबर एंटर करने के बाद अकाउंट नंबर का ऑप्शन है, वो भी मैं टाइप कर रहा हूँ। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन का जो ये पेज है, उस पर आपको CIF नंबर ऑलरेडी एंटर यहाँ पे दिख रहा है। फिर आपको आपके बैंक अकाउंट का रजिस्टर्ड नंबर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद जेनरेट OTP, इस पर हम क्लिक करेंगे। जेनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP जाएगा, ऐसा स्क्रीन पे दिखेगा आपको। जो OTP गया वो यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, न्यू पासवर्ड। दोस्तों, ये लॉगिन पासवर्ड है, ये सिंपली लॉगिन पासवर्ड है। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड और आपको बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो उस समय वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड यूज आएगा। अभी हम लॉगिन पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू पासवर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ। आपके मनपसंद का पासवर्ड एंटर कीजिए, नया पासवर्ड चूज कीजिए जो कि आसानी से किसी से एक्सेसिबल ना हो, ऐसा पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका ये जो लॉगिन पासवर्ड है ये जनरेट हो गया है। अभी हम फिर से उस पेज पे जाएंगे, लॉगिन पेज पे। यूज़र आईडी आपका CIF नंबर होगा, CIF नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे, और पासवर्ड जो अभी आपने बनाया है लॉगिन पासवर्ड, वहाँ पे ये पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कोड जो आएंगे QR कैप्चा कोड, वो आप डालेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद प्रोसीड किया जाएगा। दोस्तों, नेट बैंकिंग में दो पासवर्ड बनाना होता है, लॉगिन पासवर्ड एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये सब एंटर करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पे एंटर करें। फिर से प्रोसीड करेंगे। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नेट बैंकिंग है काफ़ी सिक्योर्ड है। मैंने प्रोसीड किया। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद आपका ये जो लॉगिन हो जाएगा, और इसमें आपके सारे डिटेल्स दिखेंगे, जैसे कि आपके सेविंग अकाउंट, RD, OD और बाकी सारी फैसिलिटीज़, बाकी सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जैसे अकाउंट बैलेंस चेक करना, स्टेटमेंट प्रिंट कर, स्टेटमेंट जनरेशन, फंड ट्रांसफ़र, डेबिट कार्ड अप्लीकेशन, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सर्विसेज मिलेंगे। और यहाँ पे आपको लास्ट में एक जेनरेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जेनरेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको राइट हैंड साइड पे टॉप पे प्रोफाइल सेटिंग पे मिलेगा।
क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे, उसके बाद से ये ऑप्शन आपको दिखेगा। फिर से एक और ओटीपी आएगा, जो आप यहाँ पे ओटीपी एंटर करें। ये नेट बैंकिंग में बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप घर बैठे ही बैंकिंग कर सकते हैं। मैंने ओटीपी एंटर किया, फिर इस बार न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैं बनाऊंगा, और न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। न्यू पासवर्ड, न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। और पासवर्ड जनरेशन का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। मैं पासवर्ड बना रहा हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड बन गया है, और आपका ये नेट बैंकिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग का। थैंक यू सो मच।